चंचल कुछ बताओगी क्या हो रहा था वहां पे? माँ वो क्या बोलूं मैं, क्या बताऊं आपको, अपने मुंह से अपनी बहू की बदनामी कैसे करूं मैं? निवेदिता इस घर की बहू है, इस छत के नीचे क्या चल रहा है पता होना चाहिए हमको। बताओ निवेदिता इस तरह क्यों चिल्ला रही थी, वो गुलदान कैसे टूट गया बताओ चंचल, हुआ क्या था? चाची जी आप चुप क्यों है, बताइए ना क्या बात है? चंचल चंचल हम सभी जानना चाहते हैं इस घर में क्या हुआ था। माँ वो निवेदिता का पागलपन अब हद से ज्यादा पड़ता जा रहा है माँ, मैं तो सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। माँ वो फूलदान की जो हालत हुई है वो तो आप सबने देखा ही है ना भाभी, मैं तो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी माँ लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थी। मेरा बेटा मेरे क्या किस्मत है उसकी, पता नहीं अब क्या होगा इस लड़की का। माँ तो बात यहां तक बढ़ गई है, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे ख्याल से निवेदिता की दिमाग की हालत देखते हुए उसे जल्दी किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। नहीं माँ, एक बार हमें इत्मीनान से बैठकर बात करनी चाहिए, वो बच्ची शायद किसी बात से परेशान है, बहुत कुछ सहा है उसने इन दिनों। भाभी हमने भी तो पिछले दिनों बहुत कुछ सहा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये उसी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। लेकिन माँ हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इन सारी बातों का वीरेन को पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं वो कैसे। नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। निवेदिता के बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ वीरेन को है, हमें उसे बताना ही होगा। देखा माँ आपने, सिद्धार्थ भी नहीं चाहता कि हम निवेदिता को डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं चंचल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। दिव्या तुम जाओ, जाकर सिद्धार्थ को मना कर लेकर। तुम कहो फिर मैंने क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पूरा यकीन है तो आकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दोगे, बस अब तुम आ जाओ, हर पल तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रेन तुम आ गए? कैसे नहीं आता, तुमने याद जो किया था मुझे, क्या कहा था मैंने, जब भी तुम मुझे दिल से पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। सिद्धार्थ हमें पता करना चाहिए कि शिमला में सबसे अच्छा साइकियाट्रिस्ट कौन है। दिव्या मुझे लग रहा है हम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्या वाकई निवेदिता को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि निवेदिता को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो किसी बात से परेशान हो या फिर कोई और वजह हो, लेकिन उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना ये एक बहुत बड़ा कदम होगा दिव्या, और जल्दबाजी में कहीं हम लोग कुछ गलती ना कर बैठे। तुम इसे जल्दबाजी कह रहे हो सिद्धार्थ, वो सच मानने को तैयार ही नहीं है, और यही नहीं
अपनी सारी हरकतों का जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रही है, और तुम कह रहे हो कि निवि ठीक है, हमें वीरेन का आने का इंतजार करना चाहिए। क्यों सिद्धार्थ, आखिर क्या है निवि में जो तुम्हें उसकी गलती समझ में ही नहीं आ रही है? बेवजह बात को घुमाने की जरूरत नहीं है दीपा, मैं बस वो कह रहा हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। और तुम तो निविदा की बहन हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो, पता लगाओ कि वो किसी बात से परेशान तो नहीं है। हो सकता है कि शायद तुम उसकी मदद कर सको। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है हम उसे भूलते नहीं सकते हैं ना, और फिर अगर हम निवि को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो हम उसी की मदद कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? बुरा डॉक्टर के पास ले जाने में नहीं है दिव्या, लेकिन जब वीरेन को पता चलेगा कि हम उससे बिना पूछे उसकी पत्नी को साइकेट्रिस्ट के पास ले गए तो कैसा लगेगा उसे? और मान लो कि निवि को सचमुच डॉक्टर की जरूरत हुई और हम उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाए तो नुकसान किसका होगा? निवि का ही ना। और भगवान ना करे अगर निवि को कुछ हो जाए तो हम वीरेन को क्या जवाब देंगे कि हम उसकी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते? सिद्धार्थ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं निवि के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और वीरेन इसे जरूर समझ जाएगा। मुझे गए 2 दिन भी नहीं हुए और इतना सब कुछ हो गया। अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आज निवेदिता ने अपनी जान लेने की कोशिश की, कल अगर किसी और की, वो जैसी भी है इस घर की बहू है, इसी घर में रहती है। अगर उसकी वजह से घर में किसी को भी कोई तकलीफ हो या कोई खतरा हो तो मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन माँ, अभी तो वीरेन भी यहाँ नहीं है, एक बार वो वापस आ जाता तो अगर होता तो क्या कर लेता, वैसे भी किसी की सुनता है वो। सिद्धार्थ भी नहीं मान रहा है, हम लोग घर के बड़े हैं, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। वैसे बहुत देर हो चुकी है, हमें निवेदिता को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना ही होगा। काश वीरेन ये समझ पाए कि हम सब पर क्या बीत रहे हैं। माँ, अपने बेटे की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, लेकिन सिद्धार्थ भी तो नहीं मान रहा है कि हमें निवेदिता को किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नहीं चाची जी, सिद्धार्थ मान गया है। डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। यही बात हम डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहते हैं। चलो सिद्धार्थ, डॉक्टर से ज्यादा इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं। लेकिन क्यों दादी माँ, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डॉक्टर क्या देखेगा? मैं इस बारे में कोई बहस नहीं चाहती, चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। माँ, ऐसा मत करिए, वीरेन को आने दीजिए। माँ, आप वीरेन जाने का इंतजार नहीं कर सकते, अब चलो यहाँ से। नहीं माँ, मुझे मत देना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दीजिए माँ, प्लीज। अगर वीरेन वापस भी आ गया ना, फिर भी उसे हमारी सुननी पड़ेगी निवेदिता। अब चलो यहाँ से, चल चल। Thank you.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।